मैं शिवांशी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मान लीजिए आपको एक ऑफर दिया जाए, आप किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे, एक झोपड़ी में या एक महल में? तो मुझे उम्मीद है ज़्यादातर लोग महल पसंद करेंगे। इसी तरह से हमारा शरीर भी है, हम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? महान लेखक जिमरान ने भी बोला है, इस दुनिया में रहने के लिए पहला पता हमारा शरीर है, घर अभी भी दूसरे नंबर पर है, इसका ख्याल रखें। तो आज का जो मेरी कविता का टॉपिक है वो फूड हैबिट है, कि हमारी फूड हैबिट कैसे तय करती है कि हम किस तरह के घर में रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा पसंद आएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जंक फूड हमारे घर में दे चुका है दस्तक, जंक फूड हमारे घर में दे चुका है दस्तक, बच्चे बूढ़े और जवान इनके आगे झुक जाता है सबका मस्तक। मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ इस कदर हम पर हावी है, हमारे दिल और दिमाग की इनके पास चाबी है। सब कुछ यहाँ बिकता है हेल्दी फूड के नाम पर, सब कुछ यहाँ बिकता है हेल्दी फूड के नाम पर जो इसे बेचते हैं क्या वो खुद यूज करते हैं या बेचना चाहते हैं सिर्फ अपने चेहरे के नाम पर? आपका खान पान आपकी तरक्की की पहली सीढ़ी है, आपका खान पान आपकी तरक्की की पहली सीढ़ी है। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा और कैसा होगा हमारा अगली पीढ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद आपको पसंद आई होगी।